आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 3 में हम बात करेंगे ग्राफ्स की, कि अगर आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है आप उसको ग्राफ्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक डेटा तैयार करते हैं पहले, तो मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये मैं कुछ इमेजिनरी नेम्स जो हैं वो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, पी क्यू आर। अब इनके मार्क्स डाल देते हैं। तो ये मैंने इसके मार्क्स डाल दिए। अब मान लीजिए मुझे अगर इससे कुछ ग्राफ बनाना हो तो वो मैं किस तरह से बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपके पास क्विक एनालिसिस का। अगर आप इस क्विक एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, वैसे एक और ऑप्शन भी बताऊंगा जहाँ से आप ये लेके आ सकते हैं ग्राफ्स को। तो क्विक एनालिसिस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। देखिए मैं इस डेटा बार पे लेके आता हूँ तो ये आपको ये बता रहा है कि 100 में से ये कितने मार्क्स हैं उसको ग्राफिक फॉर्म में आपको शो कर रहा है। तो ये है कि आपको ग्राफिक फॉर्म में डेटा को किस तरह से शो करना है। पर अगर मुझे चार्ट्स में शो करना है तो देखिए मैं अगर इस तरह से करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे ये क्लस्टर्ड कॉलम मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है। क्लस्टर्ड कॉलम में ए बी सी जो था यहाँ पे देखिए मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरेंज कलर से, साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्रे कलर से, एंड इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर से। तो ए बी सी जो है इसको कंपेयर करके देखते हैं हमारे डेटा से। तो ए बी सी जो है वो उसके इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो हैं 45, तो ये इंग्लिश है ब्लू कलर का और 45, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ 45 यहाँ पे ही आएगा। मैथ्स में इसके मार्क्स हैं 56, तो ये 56 आ गए यहाँ पे। साइंस में इसके मार्क्स हैं 56, ये भी यहाँ पे आ गए। उसी तरह से अगर बाकी डेटा की बात करें तो पी क्यू आर है हमारा, मान लीजिए इसके मार्क्स हैं साइंस में 98। देखिए ये जो बार है ये अप्रॉक्सीमेटली 98 तक जा रही है। तो इस तरह से अपने डेटा को आप एक ग्राफिक फॉर्म में जो है वो शो कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ है इसका भी डिज़ाइन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आपने ग्राफ तो सेलेक्ट कर लिया पर उसका जो डिज़ाइन है अगर चेंज करना है तो देखिए ये जो ऊपर बार दिख रही है आपको यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में, आप यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं और इससे एक अच्छी प्रेजेंटेशन या कुछ अच्छा डेटा आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपने किसी को शो करना हो या किसी को सेंड करना हो। अब ये तो एक डिज़ाइन था, इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन होंगे। जैसे मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चार्ट्स पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। देखिए तो इस अलग अलग तरह से मैं डेटा को शो कर सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे फिर से इंग्लिश जो है वो हमारा ब्लू कलर में है, मैथ्स ऑरेंज में है और साइंस जो है वो ग्रे कलर में है। तो ए बी सी जो है उसके मार्क्स कितने हैं यहाँ पे आप लेके जाएंगे तो बी आपको दिखाएगा इसकी वैल्यू है 45। जैसे मैं इस पर कर्सर लेके गया तो इसने दिखाया कि इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो हैं ए बी सी के 45, मैथ्स में उसके मार्क्स हैं 56। उसके नीचे देखिए ये टूल टिप जो आ रही है वहाँ पे दिखा रहा है ये। फिर ये जो ग्रे है ये दिखा रहा है साइंस, और साइंस में इसके मार्क्स हैं 56। और अगर आप इसको कंपेयर करें हमारे डेटा से तो ये एग्जैक्ट वही डेटा है जिससे हमने इस चार्ट को बनाया है। तो इस तरह से आप ग्राफिक फॉर्म में एक चार्ट को बना सकते हैं। एडिशन किस तरह से करनी है, मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करनी है, डिविजन किस तरह से करनी है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें डालना चाह रहे हैं आप तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और मैं कुछ इलुस्ट्रेशंस बनाना चाह रहा हूँ या शेप्स बनाना चाह रहा हूँ। जैसे ये, जैसे मान लीजिए कि ये एरो है, मुझे इसको कुछ रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए अगर मुझे इस 45 को हाईलाइट करना है तो मैंने इस 45 को दिखा दिया। इस तरह से और भी बहुत सारे अलग अलग आपके पास शेप्स मिल जाएंगे या आइकन्स मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी शेप या आइकन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी
आप प्रेजेंटेशन को या अपने ये जो एक्सेल फाइल है इसको बेटर बनाने के लिए, अगर आप कोई पिक्चर जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स पे जाइए, दिस डिवाइस, अगर आप इस डिवाइस में पड़ी हुई पिक्चर्स को लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक इमेजेस जो आपकी होंगी ऑलरेडी अवेलेबल आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें से मैं कोई भी एक इमेज जो है वो इम्पोर्ट करता हूँ, तो मैंने इंसर्ट किया तो ये इमेज देखिए यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आप इमेजेस जो हैं वो भी अपनी एक्सेल फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं या डाल सकते हैं। अब ये जो पिक्चर्स हैं इनके ऊपर अगर आपको कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, इनका इसको क्रॉप करना है, करेक्शन करना है या कुछ चेंजेस लेके आने हैं, जैसे ये देखिए ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके इन पिक्चर्स के ऊपर भी अलग अलग इफेक्ट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेटा को हम लिखते हैं यहाँ पे, और डेटा को किस तरह से हम चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उसमें आइकन्स या ये जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको ऐड करेंगे और इमेजेस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डेटा अगर आपके पास बहुत सारा है तो उसको फिल्टर कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मार्क्स हैं अलग अलग, और जैसे मान लीजिए आपके पास 100 से लेके 50 तक मार्क्स हैं अलग अलग दिए हुए बच्चों के, आप फिल्टर करना चाहते हैं कि 60% से अबव कौन है या 70% से अबव कौन है, या इस तरह का कोई भी डेटा अगर आप उसको फिल्टर करना चाह रहे हैं, आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो वो किस तरह से करें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्लास 4, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।